ताइवान और जापान चीन के दोनों ही पड़ोसी अब ड्रैगन को सबक सिखाने के फाइनल मूड में हैं। अमेरिका के ब्रेकअप से लैस बैकअप से लैस ये दोनों ही देश चीन को वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग ये कि अपनी हद में रहे वरना हम हमला करने से नहीं चुकेंगे। ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, तो वहीं जापान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन को सबक सिखाने का यही वक्त है, नहीं तो देर हो जाएगी। ताइवान में इमरजेंसी मीटिंग, बना प्लान चाइना ब्लीडिंग, ईस्ट चाइना नया वॉर जोन, जापान एंग्री, जिनपिंग मॉन, जापानी बम, ताइवान की तो सिंगल ड्रैगन डबल अटैक। ये अमेरिका और भारत के एंटी ड्रैगन ग्लोबल टेरर का ही असर है कि चीन के छोटे मोटे दुश्मन भी अब समकक्ष आकर चुनौती दे रहे हैं। एशिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जापान और ताइवान ने एक साथ चीन को अंजाम भुगतने की वार्निंग दी हो। ताइवान ने चीन को दी आखिरी चेतावनी 9 सितंबर की सुबह और दोपहर। ताइवान की नेवी को दो बार समंदर में हलचल दिखाई दी। ये चीन की वायुसेना और नेवी की गुस्ताखी का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ताइवान के जल क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक मेगा वॉर ड्रिल करते हुए घुस आए। चीन की इस हरकत से ताइवान भड़क गया। चीन ने यह वॉर ड्रिल ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी तट पर की। इसके अलावा ड्रैगन की एक टुकड़ी ने साउथ चाइना सी के प्रतास द्वीप पर एक ड्रिल की। हम आपको बता दें, प्रतास द्वीप पर चीन अपना हक जताता है तो ताइवान अपना हक। वैसे तो चीन लगभग हर महीने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता है, लेकिन ताइवान के थिंक टैंक का मानना है कि साल 1995 के बाद चीन ने ताइवान के करीब इतना आक्रामक युद्धाभ्यास कभी नहीं किया। 21 जुलाई 1995, पेंगीजा इसलैंड, ताइवान स्ट्रेट के करीब चीन की सेना ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल M9 का परीक्षण किया। इस मिसाइल टेस्ट में चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी ताइवान की ओर निशाना करके दागी गई थी। घबराया ताइवान अमेरिका की शरण में गया और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने USS निमित्ज के अलावा कई विनाशक जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट के करीब भेज दिए। अमेरिका का ऐसा ताव देखकर चीन घबरा गया, लेकिन 25 साल बाद आज फिर से वही हालात बन गए। चीन पर पहला हमला करेगा जापान। जापान की चीन से अदावत ईस्ट चाइना सी को लेकर है। द्वीपों के देश जापान चीन की हड़प नीति ने परेशान कर दिया है। जापान के डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो ने सेनकाकू आइलैंड पर ड्रैगन की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का ऐलान कर दिया है। तारो कोनो ने कहा कि जापान के लिए चीन से बड़ा कोई खतरा नहीं है और अब चीन से जापान एक एक सेंटीमीटर की जमीन बचाने के लिए लड़ेगा। जापान भारत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर तेजी से ऑपरेशन क्वाड पर काम कर रहा है। जापान का यह मानना है अगर सेनकाकू द्वीप का मसला जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो चाइना उसे अपने मिलिट्री जोन में तब्दील कर देगा, कुछ वैसे ही जैसे उसने साउथ चाइना सी में किया था। ताइवान और जापान ये दोनों ही मुल्क चीन की साजिश से त्रस्त आ चुके हैं। जापान में तो खुद अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य ठिकाना है। अमेरिका और जापान में डील भी है कि अगर जापान पर चीन ने हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से जापान की रक्षा करेगा। ताइवान के साथ तो अमेरिका की ऐसी कोई डील नहीं है, लेकिन ताइवान के साथ जिस तेजी से अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और घातक फाइटर जेट की डिफेंस डील की है, उसका सीधा मतलब है कि चीन चाहे जापान से भिड़े या ताइवान से, जंग में अमेरिका जरूर कूदेगा और ऐसा कूदेगा कि ड्रैगन रेंगने के लायक भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।